हम लोग यहाँ डैम के पास बैठ गए और मेरे पीछे ये मेरा गांव का डैम है, तो सारे दरवाजे खोल दिए और ऊपर काफ़ी पानी है तो सारे दरवाजे खोल के रखा है और काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी पानी आ रहा है, फुहारा उड़ रहा है, हम लोग भीग रहे थे। तो मेरा दोस्त अभी पानी में जाएगा और चारा पकड़ने के लिए रेडी हो गया हो, उसने पूरा अपना शर्ट भी खोल दिया है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं और आज थोड़ा क्लाइमेट भी बहुत अच्छा किया है। कल बहुत ही क्लाउडी था और थोड़ा बारिश हुआ, यानी कि रिमझिम में भी बारिश, पता नहीं कुछ तूफान आने का अलर्ट था, तो यहाँ पे सिर्फ क्लाउडी मौसम था और आज ये धूप उग गए। तो आज हम लोग थोड़ा यहाँ पर निकले घूमने के लिए और साथ में एक और हमारा काम भी है, हम लोग का दातुन ख़त्म हो गया है। तो ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मिस्टर इंडिया है, तो हम लोग दातुन भी तोड़ेंगे, नीम का दातुन। तो मेरा पेस्ट भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे अचानक याद आया कि अपन घूमने आए ले तो थोड़ा अपन नीम का दातुन भी तोड़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा घूमेंगे और थोड़ा क्लाइमेट का मज़ा लेंगे, काफ़ी खूबसूरत मौसम है आज। तो हम लोग बड़ी नदी पे जा रहे हैं, हमारे गांव की बड़ी नदी पे, और वहाँ पे देखेंगे कुछ दोस्त लोग भी जो फ़िशिंग कर रहे हैं, तो हम लोग फ़िशिंग भी करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीधा नदी पे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि नीम का पेड़ कहाँ पर है, तो हम लोग नीम का दातुन तोड़ेंगे। और कुछ दोस्त लोग भी है जो नदी पे बैठे फ़िशिंग कर रहे, तो मैं देखूँगा कि फ़िशिंग उन लोग कितनी मच्छियाँ मार के रखे। मेरे को एक सवेरे मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि चलो साथ में फ़िशिंग करने, तो यार फ़िशिंग करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो जो पेशेंस होता है आंकड़ा डाल के बैठना, वो काफ़ी मुझे थोड़ा ट्रबलिंग लगता है। तो मैं उतना पेशेंस नहीं है मेरे में कि मैं यहाँ पर एक एक घंटे फ़िश के इंतज़ार में बैठा रहूँ, तो वो काफ़ी थोड़ा ये लगता है मुझे। अगर नेट में फ़िश करने जाते तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ, तो नेट में अच्छा खासा इन्जॉय भी होता है और काफ़ी मच्छियाँ भी आती है, तो मच्छी देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो आंकड़े वाला है तो उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बैठना पड़ता है। हम लोग अपने गांव के डैम पे आ गए और हम लोग ने यहाँ पे ये कड़ी भी ले लिया जो इसे फिशिंग करेंगे हम लोग। और यहाँ पे पहले हम लोग झींगा मारेंगे, इसमें जो चारा लगता है वो चारा मारेंगे, फिर इसके बाद ये गल डाल कर लोग फिशिंग करेंगे। डैम के पास आ गए और यहाँ पे हम लोग चारा मारेंगे, मेरा दोस्त यहाँ पे जा रहा है, काफ़ी पानी गिर रहा है, तो हम लोग यहीं पे चारा मारने वाले हैं। यहाँ पे पानी आ रहा है तो मेरा दोस्त जाएगा। तो हम लोग यहाँ डैम के पास बैठ गए और मेरे पीछे ये मेरा गांव का डैम है, तो सारे दरवाजे खोल दिए और ऊपर काफ़ी पानी है तो सारे दरवाजे खोल के रखा है, काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी पानी आ रहा है, फुहारा उड़ रहा है, हम लोग भीग रहे थे, तो मेरा दोस्त अभी पानी में जाएगा और चारा पकड़ने के लिए रेडी हो गया, उसने पूरा अपना शर्ट भी खोल दिया है।
हम लोग ये टावल में झींगा लगाएंगे। चला ना चला, मेरा फ्रेंड नीचे जा रहा है झींगा मारने के लिए, ताकि हम लोग उसे झींगे को चारे के लिए यूज करें। ये नीचे जा रहा है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा उसका हेल्प कर लूँ। हमको चारा चाहिए, तो बिना चारे के हम लोग फिशिंग नहीं कर पाएंगे। और मेरे हाथ में कैमरा भी है, मैं काफ़ी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ। और यहाँ पे आगे नीचे है, तो मेरा फ्रेंड आ नहीं रहा है नीचे। वो बोल रहा है कि यार मैं भीग जाएगा, तो बेचारा अकेले खड़ा है मेरा फ्रेंड यहाँ पर। और मैंने जींस पहना हुआ है, तो मैं नहीं जा सकता। अगर वो नहीं आएगा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। आवा ना वो, अरे तो कैसे मरी हाँ, देखो वो सो गया ऊपर। अरे यार ये तू सो गया, हाँ चलो सीन चालू बा। तो मैंने यहाँ पर अपना कैमरा फिट कर दिया है, वो दोस्त ऊपर नहीं आ रहा है, तो मैं अभी मैं अपने दोस्त की हेल्प करने जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े खोल लेता हूँ। तो मैंने अंदर आप चड्डी पहन के रखा हुआ है, मुझे मालूम था कि यहाँ पर वो फिट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप चड्डी डाल के आया था। अरे यार काफी ठंडा पानी है, तो मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ। तो हम लोग को यहाँ पर चारा नहीं मिला, तो हम लोग दूसरी जगह ट्राई करेंगे। तो फाइनली हम लोग ने नीम का दातुन तोड़ लिया, तो हम लोग ने इतना सारा नीम का दातुन तोड़ा है। तो ये दातुन मेरे उस दोस्त ने तोड़ के दिया, इसको बोला तो ये नहीं तोड़ा, ये नीचे ही था, बोलता मैं नहीं चढ़ेगा झाड़ पे। इसने बहुत ही इज्जत दिया है, दोबारा इसका काम कोई आएगा तो मैं भी नहीं करेगा। तो अब हम लोग को ब्रशिंग के लिए थोड़ा दातुन मिल गया, अब मॉर्निंग में इसको यूज़ करेंगे और पेप्सोडेंट कोलगेट से हम लोग छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद। तो बोलो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कमेंट करिए और क्या करिए, बोला लाइक सब्सक्राइब करिए लाइक समझे क्या, सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और कमेंट हो कमेंट करिए कमेंट करिए कमेंट तो ठीक ठाक वर्ड था, वो सब 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 में कुछ फॉल्ट हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जो करिए। धन्यवाद।